हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सीटों का आवंटन करने को लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ। राजनीतिक दल सोच समझ कर विचार करके भी ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। सीधे तौर पर देखिए तो इस विधानसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 सालों से राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है, लिहाजा इस बार 2024 में उनकी उम्मीदें कुछ जगती हुई नजर आई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली और 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिस जोश में नजर आ रहे हैं, जिस आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमने आधे हरियाणा को फतेह कर लिया था, पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से साफ होने वाली, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंताएं हैं। और वो चिंताएं इस बात की है कि बीजेपी यहाँ जिस तरीके से अपनी रणनीतियां बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता क्या मिल पाएगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव के दौरान जो सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस वक्त थे, उनको वहां से करनाल सीट से इस्तीफा दिलवाकर और हरियाणा में सरकार भंग करके और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी करवाई गई, लिहाजा मनोहर लाल खट्टर ने करनाल लोकसभा सीट से जीत दर्ज। लेकिन अब पार्टियों का एक दूसरे पे जिस तरीके का इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए नेताओं की भगदड़ भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी और पहली सूची जारी की, 67 विधायकों के लिए 67 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इन विधानसभा सीटों पर कई ऐसे प्रत्याशी रहे जिसमें लक्ष्मण नापा जो कि रतिया से विधायक थे उनका टिकट काटा गया, कर्णदेव कांबोज को टिकट नहीं दिया गया, कई दिग्गज नेता ऐसे जिनका टिकट काटा गया। बालडा सीट की बात करें तो यहाँ से सुखमिंदर मांडी का टिकट काटा गया, रानिया सीट से बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं दिया गया और आदित्य चौटाला को भी टिकट नहीं मिला, जो अब कहीं ना कहीं डबवाली सीट से चुनावी मैदान में उतरने की इनेलो से तैयारी कर। तो सवाल ये खड़ा है कि आखिरकार जब इतना सियासी भूचाल मचा हुआ है तो आखिरकार सत्ता का रास्ता किस तरीके से तय किया जाएगा। बीजेपी चिंतन मंथन के दौर में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी यहाँ तेंदुमारी कर सकती है, लिहाजा कांग्रेस जानते हुए कि वोट का बिखराव ना हो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन करना चाहती है। लेकिन पेच यहां फंसा हुआ है कि 7 सीटों से अधिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ऑफर नहीं कर रही। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने सेक्रीफाइस की थी, यानी कि आम आदमी पार्टी को सौंप दी थी। वहां से राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। नवीन जिंदल और INLD के अभय सिंह चौटाला उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक पूरा चक्रव्यूह बनाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी फूंक कर कदम रख रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सियासी गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी तेज। इस बीच आपको बता दें कि चौटाला परिवार में भी इस वक्त जबरदस्त जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही है। चौटाला परिवार के एक जाने पहचाने चेहरे आदित्य चौटाला ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर इनेलो का दामन थाम लिया। सिरसा जिले में चौटाला परिवार का मजबूत सियासी आधार माना जाता है और डबवाली सीट से भी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में डबवाली में यहाँ चौटाला परिवार की ही आपस में टक्कर देखने को मिल सकती है। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, चौटाला परिवार लोकसभा चुनाव के वक्त पर हमने देखा हिसार सीट से चौटाला परिवार के 3 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे, तीनों को हार का सामना करना पड़ा। हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी।
उसी आधार पर अब आने वाले वक्त में डबवाली सीट काफी अहम बन गई है। डबवाली से जननायक जनता पार्टी यहां दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं। और इसके साथ साथ चचेरे भाई यहां पर आदित्य सिंह चौटाला जो है वो भी तैयारियों में जुट चुके हैं और आईएनएलडी की सीट से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। हरियाणा का सियासी संग्राम काफी जबरदस्त हो चुका है और इस बीच आपको बता दें कि नेताओं की एक दूसरे दल में यहां पर आवाजाही जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है उस माहौल को देखते हुए बीजेपी निश्चित तौर पर यह चाहती है कि किसी भी आधार पर जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में शॉर्ट रह गई थी उनकी सीटें, जिस तरीके से अल्पमत में दिखाई दे रहे थे, जननायक जनता पार्टी के साथ यहां गठबंधन करते हुए नजर आए। एक बार फिर से सीएम नायब सिंह सैनी ने ये संदेश दे दिए हैं दुष्यंत चौटाला को कि यदि दुष्यंत चौटाला की पार्टी यहां कुछ मजबूत हो जाती है तो फिर वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है मिल करके, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चिंतन मंथन का दौर जारी है। लेकिन बीएसपी जिस तरीके से दलित वोट बैंक की पार्टी रही है उस आधार पर अभय चौटाला कुछ सीटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की भी यही स्ट्रेटजी है कि आज चंद्रशेखर आजाद जो कि नए चेहरे हैं एक देश की राजनीति में, हाल ही में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, उनके साथ गठबंधन करके यूथ वोट बैंक और दलित वोट बैंक को अपने साथ किया जाए, तो ये तमाम कयास जारी हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि मजबूती के साथ हम बिना गठबंधन करे ही चुनावी मैदान में जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जैसे तीन राजनीति के बड़े दिग्गज महारथियों के दम पर यहां कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम स्पष्ट रूप से हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 सीटें हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान जीतेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके का माहौल हरियाणा में बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जाट वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास दिग्गज चेहरों की मौजूदगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जींद की नारनौंद विधानसभा सीट से पूर्व वित्त मंत्री रहे हरियाणा सरकार में कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि जाट वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ साथ तोशाम से विधायिका रही किरण चौधरी जो कि बंसीलाल के परिवार से संबंध रखती है, वो भी हरियाणा में जाट वोट बैंक को प्रभावित करने में अच्छी खासी भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का सियासी ताज किसके सिर पर सस्ता हुआ नजर आता है और किस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।